हेलो गाइस, वेलकम टू द वन मोर एपिसोड ऑफ सो एनिमल। तो जैसे आप सब तो पता है, हमारी स्पेशल सीरीज चालू है जो होती है छल्लो घूमी घूमी, जो होती है गुजरात के बारे में। हाँ जी, गुजरात में सूरत में सोनल दही हुई है और वहाँ पे काफ़ी सारे डेस्टिनेशन वो घूम रही है, जैसे कि भरूच गुरुद्वारा। आपने देखा होगा जो पार्ट वन था, और सेकेंड पार्ट में हमने आप तो तुबेर भंडारी घुमाया था। तो आज हम चल रहे हैं और आगे, वहाँ पे पोइचा नाम से है जो कि एक स्वामीनारायण मंदिर है। स्वामीनारायण मंदिर भी है, वो प्लेस का नाम पोइचा है। और वहाँ पे और क्या क्या है, चलो जानते हैं सोनल से इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी यहाँ के बारे में। सोमनाथ, द्वारका, डाकोर जी आदि विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की भूमि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के लोगों की पहली पसंद बना हुआ है ये मंदिर। हम बात कर रहे हैं गुजरात के पोइचा। पोइचा में स्थित नीलकंठ की 2013 में बना ये भव्य मंदिर है, और ये मंदिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित नीलकंठ धाम में सब कुछ है जो हमें बहुत आकर्षक करता है। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं तो नर्मदा नदी के दूसरे दूसरे किनारे कुबेर भंडारी का मंदिर है, वहाँ पे भी लोग दर्शन अवश्य करके आते हैं। ये मंदिर 50 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट द्वारा 2013 में 105 एकड़ जमीन पर ये भव्य मंदिर बनाया गया है। मंदिर की वास्तुकला बड़े उद्यान भव्य मूर्ति की मन मोह लेती है। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मंदिर के चारों ओर 40 लाख लीटर पानी से बना नीलकंठ सरोवर है। यहाँ स्वामीनारायण मंदिर, घनश्याम जी, नीलकंठ जी, राधा कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी के 24 अवतार मंदिर समेत 32 छोटे बड़े मंदिर, और मंदिर में नीचे की ओर 108 गौमुखी गंगा से बहती नर्मदा नदी के जल के स्नान करते श्रद्धालुओं का उत्सव देखने लायक होता है। दर्शन के अलावा शाम 7 से 10 बजे तक यहाँ पे लाइट शो का भी हम आनंद उठा सकते हैं। नीलकंठ में 8 साल से रह रहे गोपाल भक्त बताया है कि भगवान मूर्ति का अभिषेक होता है इसमें 108 लीटर गाय का दूध और औषधियों के 108 कलश, खेतों की माटी, अबीर गुलाल से अभिषेक होता है। अभिषेक के 1 घंटे के बाद श्रृंगार आरती होती है। सुबह से शाम तक 1 लाख तरह का भोग ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है, और हर रोज शाम 5:30 बजे शोभा यात्रा भी होती है। मंदिर के परिसर में रोज शाम 5:30 बजे आरंभ होती है रथ यात्रा, जिसमें तोप, घोड़े, गाय, हाथी, डंका बजाते लोग साथी रथ में खींचते महिलाओं पुरुषों देख सभी भगवान स्वामीनारायण की भक्ति में डूब जाते हैं। रास्ते में जल, मोती, जड़ी का छिड़काव भी किया जाता है, और रथ यात्रा मंदिर के ठीक सामने ख़त्म होती। और इसी समय
मंदिर की पूरी लाइट भी शुरू हो जाती है। लाइट की रोशनी में मंदिर की छटा और भी मनोरंजन हो जाती है। आरती के दौरान भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों द्वारा किए जाने वाले प्रयास सभी के मन में श्रद्धा लगाते हैं और बहुत ही आनंद आता है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी कुछ पोइचा के बारे में। आप भी इस मंदिर में आके आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो का आनंद लें। हिंदी हिंदी गुजराती नहीं समझ में आती हमने। जय स्वामीनारायण। हम अभी स्वामीनारायण मंदिर में पहुंचे हैं बोलचा में। हाँ, अभी यहाँ पे 108 गाय और गाय का स्नान कर रहे हैं, जो मुख में से स्नान कराते हैं। हाँ, जो बहुत देने में आता है, बहुत बढ़िया स्नान होता है यहाँ पे। चलो आगे दिखाते हैं अभी स्नान आपको। चलो चलो। महाराज की जय। अरे गायों के बनावे
भोजन कर लिया सबने। अभी हम 120 जने आए थे इधर, अभी सबने भोजन किया है। ये भोजन हाल है, अभी हम भोजन खा लिया है। सब वापस सूरत जा रहे हैं। ये पूरा दिन की यात्रा थी, आज यात्रा पूरी सफल हुई है। हर साल ये यात्रा चलती रहेगी और आगे भी करते रहेंगे और सबको कराते रहेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा।